नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत से एग्जामिनेशन में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ये आपके सामने क्वेश्चंस पेश कर दूं ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, आप वीडियो को भी साथ साथ में पॉज कर लेना और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। इसके अलावा दोस्तों, आपको हर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @ स्ट्रीट स्टडी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। इसके अलावा मैं एमसीक्यू क्विजेस भी जितने भी हमारे होते हैं वो मैं स्ट्रीट स्टडी 247 जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथ का साथ लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करते टाइम नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो की मिस ना हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो मैं सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसमें आपको मिसिंग टर्म बतानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये देखो पास पास में टर्म्स आ रही हैं। जब भी टर्म्स पास पास में रहती हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब भी टर्म्स पास में होती हैं तब तो हमें बेसिकली क्या देखना होता है कि इनमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो अभी देखते हैं, 36 से 34 में -2 का डिफरेंस है, 34 से 30th में -4 का, पहले 2 का, फिर 4 का, फिर देखें तो फिर से 2 का है, और 28 से 24 में फिर से 4 का है। तो दोस्तों, अगला डिफरेंस क्या आएगा आप खुद ही समझ गए होंगे। 24 में से आपको आगे क्या करना होगा, -2 करने होंगे और आंसर आ जाएगा 22। तो राइट आंसर रहेगा 22। दोस्तों, वीडियो को पोस्ट करते रहें और साथ साथ में अपने भी क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ जो टर्म्स है वो आपस में आसपास में है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ है, मतलब कि पास पास में जब भी कभी टर्म्स रहती हैं तो ज़्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 7 से 10 में जाएँ तो +3, ठीक है, 10 से 8 में जाएँ तो -2, फिर देखें 8 से 11 में +3, फिर 11 से 9 में -2, फिर 9 से 12 में जाएं +3। मतलब कि जो सीरीज फॉलो हो रही है +3 -2 +3 -2 +3। अब अगला टर्म क्या आएगा, अब देखो ये सीरीज फॉलो हो रही है, पहले +3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। अब अगला क्या होगा, -2। तो 12 में से आपको क्या करना है, सिंपली -2 10। दोस्तों, ये IBPS PO का क्वेश्चन है, 2016 या 17 के आसपास मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगला भी देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो आप देखो, ये अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे हमें डिफरेंस और कुछ एडिशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। टर्म्स और बेशक दूर दूर हैं, बट हमें पहले देखना है कि सबसे पहले कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इधर 80 से 70 पे जा रहे हैं तो -10 हो रहे हैं, ठीक है। अब 70 से 60 पे जा रहे हैं तो -10 हो रहे हैं, मतलब कि अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, मतलब कि एक छोड़ के एक टर्म है उसमें -10 हो रहा है, मतलब कि कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडिशन 10 से 15 में जाएं तो +5 का एडिशन, 15 से आगे जाना है तो दोस्तों फिर से हमें +5 का एडिशन करना पड़ेगा। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 15 + 5 = 20। तो राइट आंसर रहेगा आपका 20। तो दोस्तों, आप भी वीडियो को पोस्ट करते रहें और साथ साथ में क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 7, 26, 63, 60, 124, 215, 342। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 7 किसके पास पास आता है, 8 के पास, 26 किसके पास आता है, 27 के पास, मतलब कि क्यूब रूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब कि अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं और 1 से माइनस कर दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। सिमिलरली 3 का क्यूब करूं और 1 माइनस करूं तो 26 मिल जाएगा, मतलब कि 2, 3, अगला क्या आएगा, 4 का क्यूब -1, ठीक है, तो 124 हो जाएगा। वैसे ही ये हो जाएगा 63, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 - 1 = 63। वैसे ही 5 का क्यूब में से 1 माइनस कर दूं तो 124। अगला क्या होगा, 6 का क्यूब -1, उससे अगला क्या होगा, 7 का क्यूब -1, और आगे क्या बताना है आपको, आगे वाली टर्म क्या होगी दोस्तों, 8 का क्यूब -1, मतलब कि 8 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो ये होगा 512, 8 का क्यूब क्या होता है बेसिकली 512, और 1 माइनस करोगे तो इसका आंसर होगा 511, ठीक है, 511 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत से MCQs डालता रहता हूँ स्टोरीज में, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर सर्च करना है SEET study 247। जैसे ही आप सर्च करोगे ये वाला लोगो देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लेना, और वहाँ पर हमारे मोर देन 500 सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला ऑफिशियल चैनल है हमारा। इसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद वहां पे सर्च कीजिए @SEET study। जैसे आप सर्च करोगे वहां पे आपको हमारा चैनल ये ऑफिशियल लोगों के साथ देखने को मिलेगा। वहां पे आप इजीली जो भी वीडियो की PDFs होती है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर्स हो गए, नेशनल करंट अफेयर्स हो गए, HP करंट अफेयर्स हो गए, तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट 2019-17 नेक्स्ट इज आपको बताना है 10 और 5। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, पास पास की फिर से टर्म्स आ रही हैं, 20 से 19, 19 से 17, 17 से के बाद कुछ टर्म मिसिंग है, फिर 10, फिर 5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं फिर से कुछ कुछ टर्म्स है वो पास में आ रही है, मतलब कि यहाँ पे फिर से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देख लेते हैं एक बार, 20 में से 17 जाते हैं तो -1, 19 मतलब कि 20 और अगली टर्म 19 है तो डिफरेंस है -1 का, अगला डिफरेंस है -2 का, ठीक है। अगर हम अगला टर्म डिफरेंस ऐसे ही सोच लें कि ये -1 है, ये -2, अगर डिफरेंस पकड़ लें तो -3, अगर -3 का डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे टर्म आएगी 17 में से 3 माइनस करूंगा तो 14, 14 में से फिर आगे का डिफरेंस आएगा 4 का 10, ठीक है सही चल रहा है। 10 में से आगे मैं फिर से 5 का डिफरेंस लूँ तो 5, मतलब कि मेरी सीरीज सही बन रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है -1, -2, -3 और जो -4, -5, और जो हमें बताना था वो बताना था -3 के कारण क्या आ रहा है 14। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है उसका आंसर होगा 14, तो 14 इसका आंसर होगा, 14 है इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पास पास में टर्म है 1, 6, 11, 1 से 13, 22 और 33। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से कुछ एडिशन के कारण डिफरेंस हो रहा है, तो +5, फिर अगला देखें +7, ठीक है 6 और 7 13, फिर अगला 13 से 22 जाएंगे फिर से +9 करने पड़ेंगे, फिर 22 से 33 जाएंगे तो फिर से +11 करने पड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पे फिर से 11 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। तो आप देख ले सकते हैं सीरीज क्या फॉलो हो रही है, 5, 7, 9, 11, मतलब कि ऑड नंबर में सीरीज आ रही है। तो अगला क्या हुआ, 11 में अगर हम 2 जोड़ देंगे 13, तो 33 प्लस 13 तो ये कितना हुआ 46, तो राइट आंसर रहेगा 46। तो आपको याद रखना है अगली टर्म जो आएगी वो आएगी 46। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 4, 8, ठीक है 16, 32, 64। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि 4 से 8 जाऊँ तो 4 का डिफरेंस, 8 से 16 जाऊँ फिर से 8 का डिफरेंस, 16 से 32 जाऊँ तो 16 का डिफरेंस, ठीक है 32 से 64 जाऊँ तो 32 का डिफरेंस, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म्स के बीच में या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने डिफरेंस से निकाल दिया कि कितना कितना डिफरेंस है, जहाँ पे 4, 8, 16 और 32, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जा रही है, जैसे 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 वाला डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अगले 8 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई, 16 से 32 का बीच में फिर से 2 का, तो अगला क्या होगा 32 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64। तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी आप साफ देख सकते हैं 64, ठीक है 64 में मैं 64 जोड़ दूंगा तो आएगा 128, ठीक है। बट आप देख रहे हैं अल्टरनेटिवली इन्होंने टर्म्स को माइनस कर रखा है, ठीक है -8 माइनस -8 -32, अब जो ये वाली टर्म आएगी ये आएगी -128, ठीक है ये माइनस वैसे ही लगा रखा है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो पैटर्न जहाँ पे फॉलो हो रहा है पहले डिफरेंस, फिर डिफरेंस के बाद हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया हुआ है, या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 2 मल्टीप्लाई करते रहें तब भी आप डिफरेंस इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 4 से 8, 8 16, 32 64 और 128। बट 128 दोनों ऑप्शन होंगे आपको एग्जामिनेशन में, 128 प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, बट आपको क्या टिक करना माइनस वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्टरनेटिवली ये हमें माइनस देखने को मिला है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, 3, फिर 6, फिर 18, फिर 72, मतलब कि आप देख रहे हैं 18 के बाद 72 बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, 3 से 6 पास में था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्म्स है वो दूर दूर पे आ रही हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 से 6 जाएंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है 6 से 18 जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से 4 72 जाएंगे तो 4 से, वैसे ही 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख रहे हैं फॉलो सीरीज क्या फॉलो हो रही है, 2, 3, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, और 72 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, तो ये आएगा मेरा 360।
तो 360 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, हमें और हमारी टीम को जस्ट मोटिवेशन मिलती है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेहतरीन कंटेंट है और सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ रही हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं, 2, 4, 12, 48, 240, तो अगला बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, 2 से 4 जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है फिर से, 4 से 12 3 का मल्टीप्लीकेशन, 12 से 48 पे जाएंगे तो फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन। अब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं आ जाएगा 240, ठीक है। तो मतलब कि जो मेरी सीरीज फॉलो हो रही है वो मल्टीप्लीकेशन है 2, 3, 4 और 5 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 240 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 600, 644, 62, ठीक है, 1440। दोस्तों ये IBPS क्लेरिकल का क्वेश्चन है, तो ये और मैंने एक जगह ये CGL में भी ये क्वेश्चन देखा हुआ, तो कई जगह ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन है बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। आप अगर आप डिफरेंस लेके चले तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस, ठीक है, 3, 5, 7 और 9। तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा 11 का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। 25 में अगर मैं अगली टर्म जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 2-2 का डिफरेंस आप देख रहे हैं साफ चल रहा है, 25 और 11, 36। बट वही अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दूसरे मेथड से भी सोल्व हो सकता था। मेथड 2 क्या है और करके बता देता हूँ आपको, 1 किसका स्क्वायर बन रहा है, 1 का, 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो अगला किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का, तब भी आंसर आपका 36 आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यही ट्राई किया करो कि ये क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कि गैपिंग से सोल्व हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब आप मल्टीप्लीकेशन पे जाओ, क्योंकि जो 5 में से आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं वो बेसिकली आपके डिफरेंस बेस्ड ही होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके मल्टीप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं। तो आपको वहाँ पे अपनी प्रूडेंस से, अपनी जजमेंट से जज करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन सीरीज से सोल्व होगा और कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से सोल्व होगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर टू ग्रुप्स कर देना, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके ग्रुप्स हैं आप उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं यही चाहता हूं महत्वपूर्ण नॉलेज है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ पहुंचनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।